दोस्तों, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद ही गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। उनके शरीर में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं में छोटी मोटी समस्याएं इस दौरान बनी रहती है। इन्हीं में से एक समस्या होती है दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेशाब का आना, जिसे लेके महिलाएं बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है कि आखिर उन्हें बार बार पेशाब क्यों आ रही है। और इस तरीके की परेशानी महिलाओं को होने की वजह से उन्हें कहीं भी आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेशाब आने के क्या कारण होते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिनको अपनाकर आप इस दौरान बार बार पेशाब आने की समस्या से राहत पा सकते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता देती हूँ कि महिलाओं को जो ये बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, ये प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में और प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में बहुत ज्यादा रहती है। ये महिलाओं को ज्यादातर छठे हफ्ते से शुरू होती है और ये लगातार 9 से लेकर 15 हफ्तों तक गर्भवती महिलाओं में बनी रहती है। तो इस दौरान दोस्तों, महिलाओं के शरीर में HCG नामक जो हार्मोन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये जो HCG हार्मोन होता है ये महिलाओं की किडनी में खून के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब आने की समस्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, और प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे ये समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का अंतिम दौर शुरू होता है, प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, जब गर्भ में शिशु आकार लेने लग जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इससे होता क्या है कि गर्भ में शिशु जो है यूरिनरी ब्लैडर में दबाव डालने लग जाता है। तो इस ब्लैडर में जब दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से महिलाओं को बार बार पेशाब आने जैसी समस्या हो जाती है। हालांकि उन्हें बहुत थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, लेकिन हर 10 मिनट में उन्हें बार बार पेशाब जाने का मन करता है। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती कुछ हफ्तों में और प्रेगनेंसी के 5वें-6वें महीने से आपको ये समस्या शुरू हो जाती है। हालांकि जिन महिलाओं के ट्विंस बेबी होते हैं उन महिलाओं को ये समस्या प्रेगनेंसी के 4थे महीने से ही शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो कारण हो गए, अब इस समस्या से राहत पाने के लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आपको रात को सोते समय कम से कम पानी पीना है। अगर आप दिन भर में पानी पीते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। रात को बहुत अधिक पानी पीकर सोने से आपको बार बार पेशाब आ सकता है। जब भी आप सोने जा रहे हों उससे 1 घंटे पहले आपको पानी पीना है, उसके बाद आप पानी ना पिए और सोने से पहले आप पेशाब कर लें। तो इस तरीके से आपकी रात को नींद भी नहीं टूटेगी और आपको बार बार पेशाब आने की शिकायत से भी आराम मिलेगा। अब दूसरी चीज, आपको इस दौरान कैफीन, चाय, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन सभी पेय पदार्थों में मूत्रवर्धक प्रभाव होता है जो कि आपको बार बार पेशाब आने जैसा महसूस कराता है। तो इन सभी चीजों का आपको सीमित मात्रा में या फिर बहुत कम मात्रा में सेवन करना है ताकि आपको इस दौरान बार बार पेशाब आने जैसी समस्या ना हो। तीसरी चीज दोस्तों, अगर आपको इस दौरान यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि जो मूत्र मार्ग संक्रमण होता है वो हो जाता है, तो ऐसे में भी आपको बार बार पेशाब आने जैसा महसूस हो सकता है, तो इसमें आप क्रैनबेरी का जूस पी सकते हैं। ये आपके मूत्र मार्ग में संक्रमण की समस्या को दूर करता है। एक बार अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप क्रैनबेरी का जूस इस दौरान लेंगे तो आपको बार बार पेशाब आने जैसी समस्या भी नहीं होगी और आपको जो मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाता है उससे भी राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, एक्सरसाइज करने से भी आप बार बार पेशाब आने की समस्या को रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दौरान कीगल एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपके पेल्विक मसल्स को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है, जिससे कि आपका पेशाब नियंत्रित हो जाता है, तो ऐसे में आपको कीगल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज आप एक दिन में कम से कम 3 बार करिए। इसमें आपको अपनी मांसपेशियों को 15 सेकंड तक सिकोड़ के रखना होता है, फिर आप इन्हें रिलीज करें। इस तरीके से ये प्रोसेस आपको कम से कम 1 दिन में 20 बार करना चाहिए। तो इस तरीके से कीगल एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बार बार पेशाब आने की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अंत में दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उपाय ये कि जब भी आप पेशाब कर रहे हों तो आपको पेशाब आगे झुककर करना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा ब्लैडर होता है वो अगर पूरी तरीके से खाली ना हो तो बार बार पेशाब आने जैसा मन करता है, तो आपको थोड़ा सा आगे झुककर पेशाब करना चाहिए। ऐसा करने से ब्लैडर पे दबाव पड़ता है और आपका पेशाब पूरी तरीके से ब्लैडर से निकल जाता है और आपका ब्लैडर खाली हो जाता है,
और दोबारा से आपके ब्लैडर को भरने में थोड़ा समय लगता है और ऐसे में आपको बार बार पेशाब आने की समस्या भी नहीं होती है। तो ये थी जानकारी दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दौरान किन कारणों से आपको बार बार पेशाब आता है और कौन कौन से उपाय आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो में फ्लैश हो रहा है, आप यहाँ पे मुझे सवाल पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।